नमस्कार दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं नीमच जिले के कमल सरोवर के नाम से विख्यात नगरी जावी में हुई भविष्यवाणी। दीन दुखियों के शरण स्थल श्री गुर्जरखेड़ा धाम श्री वीरभद्र स्वरूप नाथों के नाथ अगोरी नाथ एवं श्री गुर्जरखेड़ा सरकार सगज बाबूजी मंदिर पर शारदीय नवरात्रि में विधि विधान से अभिषेक पूजन अर्चन कन्या पूजन व महाआरती की गई। वाड़ी विसर्जन के बाद श्री गुर्जरखेड़ा सरकार ने प्रतिवर्ष अनुसार पंडाजी घनश्याम लोहार के मुख से भविष्यवाणी करते हुए कहा, पूरी दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है उसका इलाज सतर्कता है, भय की वजह से मृत्यु हो रही है। धर्म में आस्था रखना, एक दूसरे से मेल मिलाप कम करना और परहेज पालना, इसके उपाय के लिए गौमूत्र, गोमूत्र, तुलसी पत्र, पाटी नीम की पत्ती व काली मिर्च व आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना। श्री गुर्जरखेड़ा सरकार ने बताया कि चार बारिश मावटे हो गए, परंतु यह भाग्य वर्षा है, जहां हो गई वहां हो जाएगी, जहां नहीं गिरेगी वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। खंड वर्षा से फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा, जिस क्षेत्र में खंड वर्षा है वहां पानी की वजह से और जहां अच्छी बारिश हुई वहां गर्मी तपन की वजह से 75% ही उत्पादन होगा, फसलों के भाव सामान्य रहेंगे। शासन प्रशासन की स्थिति भी ठीक नहीं है, वे अपनी व्यवस्था चलाने में भी आश्रित होंगे, उनसे सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकेगी, छोटी छोटी बातों पर भयंकर विवाद होंगे, सायंकाल के बाद चोरी लूट खसोट की वारदातें ज्यादा होगी, 4-5 व्यक्ति होने पर भी घटनाएं हो जाएगी। सचेत रहना, संयम में रहना, धर्म में आस्था रखना, देव सुमिरन करना, सभी विपदाएं दूर होगी। श्री गुर्जरखेड़ा सरकार ने फसलों जींस के भाव की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस नवरात्रि से आने वाली नवरात्रि के बीच सोयाबीन के भाव 4500 से 5500 तक, चना 3000 से 5000 तक, मेथी 5000 से 6500 तक, मेथा 7000 से 7500 तक, रायरा 3000 से 5000 तक, लहसुन किस्म की दृष्टि से 9000 से 12000 तक, 13000 से 15000 तक, 17000 से 20000 तक के भाव रहेंगे। देव उठनी एकादशी के बाद 3 माह तक सोना चांदी में बर्त रहेगी, उसके बाद आशिक उतार होगा। आने वाली मौसम के संबंध में बताया कि 2 बार पाला गिरेगा और 2 ओलावृष्टि होगी, एक आंशिक कम तो दूसरी इतनी ज्यादा होगी कि सभी फसलें चौपट हो जाएगी। पशुओं के लिए चारे की व मनुष्यों के लिए अनाज की व्यवस्था रखना, जहां धर्म निष्ठा होगी वहां विनाश नहीं होगा, क्योंकि सत्य और धर्म की हमेशा जय होती है, क्योंकि जो नतमस्तक होता है वे गुणी होता है। उक्त जानकारी श्री गुर्जरखेड़ा सरकार प्रबंध समिति प्रवक्ता दिलीप पाटीदार ने दी। आणि वर्ष ज्या खंड वर्षा है वह खंड वर्षा आणि हागवाडी में भी दग देगा बाबू, जटे जटे हेली वर्षा भी भूमि की जा नमी है वह अतरी विगी के भूमि में धान शुभ वद्रा नहीं निबजना है, और कटे कटे थोड़ी वर्षा भी है बाबू तो तपन अतरी जोरा की भूमि के वटे भी धान शुभ नहीं निबजना है। तो बाबू जने भी आस की थी के होरा नहीं धान सुन निपजेगा तो बारा नहीं निपजेगा, या हक बड़ी लाग कई करी लो और लाग थको जल वर्षे दीजो और जल पई दीजो और खाद बीज करी दीजो तो भी बारा नहीं निपजेगा, हतराना तो हक बड़ी कसी नहीं निपजे और कसे ही कांकड़ खड़े। ये जो वर्ष है एनी वर्ष में जब वर्षा भी है तो घबराओ मती की बाबूजी माने छोड़ दीदा तो मैं भूखा का भूखा ही रह जाऊंगा, तो घबराओ मती बाबू एनी वर्ष भाग पानी का 4 मावटा है, अब भी भाग पानी है, जनी जनी गांव खेड़े धर्म निष्ठा और देव पूजता रिया देव सुमिरन करता रिया बाबू, यो भी विजा के 4 मावटा एक ही गांव खेड़े भी हो रही था और 4 मावटा गांव खेड़ा वाला ने तरसई भी दे, यो भाग पानी रहेगा 4 मावटा है बाबू। और वन के पूछे कने लागी जाए बाबू जी 4 नहीं घटिया तो आजूज मालूम राख जो जगत में कटे कटे मावटा वीरा सारी घटी ने रेग नहीं रहे। दूसरी बात बाबू अणी वर्ष थोड़ा वणी हाकवाड़ी पड़ता ही रहा तो अणी हाकवाड़ी में भी जेल नहीं है बाबू, अणी वर्ष दा भी जोरा का पड़ना है, जटे जटे दा बढ़िया ठोकरा फांसी लागनी है। आओ अरे यो मारा हाथा को नहीं, मु तो देव वाणी बताओ वारो जिन था की जोरी भरी सकू और ना भरी तकी जोरी था की ली सकू, मु तो वह विधि है, विधि को जो आदेश है वो मानव ने सुनाओ वारो, तो दा भी खूब जोरा का पड़ना है बाबू, 4 मावटा 2 दा भी है बाबू। और वन के पते एक तो नानी गरड़ एक खूब जोरा की है बाबू, और कसा देव ने सुमरो नहीं सुमरो, मुझे एक बात कू वही बात ने पल्ले बांधे राख दो बाबू, संसार में सबू मोटो कोई देव है
गरेड़ फिरवा वरो तो वो गोटा वरो वन के सब पासे है, लाग जतन करी लो वन के समान कोई बलशाली ना थोर ना कोई है। चलो गुजर केड़ा वरो बच्चा की जय। आओ जदी जदी भी थाना लागी जा के भाव जी आज आसार पड़ी रहा के गरेड़ फरनी फरनी, तो आओ कोई भी पांच मनक डोड़ो लीजो गोटा वारा के पगे जेर गाम हित में मिली जो बाबूजी रक्षा करो मर्यादा का ने मती मारो बाबू अत्रो कण भी गरेड़ को वणी भूमि पे उतरी जा तो मने इन की दी जाए। तई थी वणी दना मन खूब संसार के भले वाता हो तई थी मन क्यों तो भय मृत्यु है जे हो। और जन के मन में भय बैठी गयो वो स्वतः मृत्यु के मुख में पड़ गयो, उन्हें कोई रोग दोष नहीं मारेगा, वो स्वयं को भय मारी देगा। तो बाबू ये जो रोग दोष है अंति भय नहीं खाऊनो है बाबू, भय खाओगा तो रोग दोष पहला था वो मरण भी जाएगा बाबू। मैंने सदैव कहता और सदैव कहता रहूंगा थोड़ी सतर्कता रखो, भयो गई नहीं वेणो, सतर्कता राखी यो रोग था को वार भी वाको नहीं कर सर। उनके पचे मैंने जो उपचार प्रथम में होते ही दीदा था आज संसार में भी तो उपचार नहीं रोक के भले करी जा कहीं और कर दिया तो बताओ। तो बाबू उपचार भी स्वयं करता रहो, थोड़ा सतर्क भी रहो। बाबू उपचार के हित के भले कहो और कहते रहूंगा। दूसरी बात मैंने जो धान चुना का भाव था वो बताया था, मुँह बताऊँ को नहीं पर मारे सेवक दारा का आग्रह पे बताया था जे हो। जनी टेम गड़ी मैंने बताया वही टेम गड़ी सबने दांत कड़े की दी थी बाबूजी को खतरा वह गई बाबू, खतरा व्याता कि नहीं व्याता व्याता। और मैंने क्यों तो के पास थी से के बीज भी फ्रीजा का सोयाबीन गीती की नहीं गीती गीती। मैंने जना जना दान चुना का भाव होता है था वहाँ में कहीं फर्क रही हो अंतर पड़ी हो तो की दी जो वहाँ नौ दना थी अना नौ दना में मैंने जो बताया तो कि बाबू आको संसार तो की रो है कि खूब वर्षा है खूब वर्षा है पर मैंने जो पीवा का भी फोड़ा पड़ेगा वो भी घटी में घटी है बाबू। अणी वर्ष थाने दो बात सतर्क रहना पड़ेगा, एक तो अणी रोग दोष में सतर्क रहना पड़ेगा, एक दिन बाबूजी आत्म तई बाबू लूट कसोट अची वेगा के पांच मनक लारे वेगा तो भी लूटिया जावेगा आओ। तो सतर्क राखनो पड़ेगा कहाँ के अणी वर्ष अत्री विपदा पड़ी रही ना राजपाट पा कही है, राजपाट का भी हाथ उसी है आओ। आको संसार राजपाट था ना बेटा बेटा पारी ले यो भी संभव को नहीं, केवा में कोई भी गई भी की दे पर वो संभव नहीं भी सके आओ। एक बात सदैव सलिए ही है और वह सदैव वणी तक गिरेगा, हाथा का साला हाथों से फोड़ना पड़े कोई और फोड़वा कभी नहीं आवे। अणी वर्ष जा खंड वर्षा है वह खंड वर्षा अणी हाकवाड़ी में भी दग देगा बाबू, जटे जटे हेली वर्षा भी भूमि की जा नमी है वह अत्री विगी के भूमि में दान शुभ वद्रा निबजना है। और कटे कटे थोड़ी वर्षा भी है बाबू तो तपन अत्री जोरा की भूमि के वटे भी दान चून नहीं निबजना है। तो बाबू जने भी आस की थी वह के होरा नहीं दान चून निबजेगा तो बारा नहीं निबजेगा, या हाकवाड़ी लाख कई करी लो और लाख थको जल वर्षे दीजो और जल पई दीजो और खाद बीज करी दीजो तो भी बारा नहीं निबजेगा, हतराना थी हतराना तो हाकवाड़ी कसी नहीं निबजे और कसे ही कांकड़ खड़े। संसार में सबू हेली जा बात उपजेगा वह है घना दिनों बाबू कुटे ठोक्यो बल आउटई दार बचे छोड़ो और बचे मातो करे जू लड़ बोल घनी वेणी है, जनी टेम गड़ियूं थाने खुला छोड़िया ताको मातो करी रियो है जो केन के तो फोड़ू जगा है। आओ लड़ बोल घनी वेणी है तो मन मार जो क्षमता राख जो मातो नमावती कभी कोई नाना बाप को नहीं व्या करे बाबू, मातो सदैव वो नमावे जन में गुण वे और तणिन वो साले जो स्वयं मूर्ख वे बाबू। एक बात सदैव मालम राखनी नमी डारी भी रसदार फल लगे जो रसदार फल को वृक्ष वे शोभा वणिज की रे काटा बोरिया तो खोबरे पगाती गुंता फरे बलशाली है बाबू। वरने एक ही बात प्री लगे वो जगत हित सावे स्वार्थ कदी उन्हें रूपारो नहीं लगे तो जगत हित के बल्ले जाजो गड़ेरे भी पड़ जाएगा, एक तो नानी अरे जोरा की है तो ये दो गरेड़ा भी है थोड़ा राग जो। और बाबू आज संसार में जो यो रोग है आको जगत भयभीत वीरियो है बाबू। मैंने वही अटवाड़ी एक बात बताई थी कने हुनी वे नहीं हुनी वे तो हुनी थी नहीं हुनी तीन अटवाड़ी विकी मन आया ने थाने मालम कही रहेगा, एक अटवाड़ी की मालम नहीं रहे तो तीन अटवाड़ी की मालम।